कौन मेरा फेवरेट चैनल है, मैं गाड़ी में इतना ट्रैवल करती हूँ आजकल, बिकॉज ट्रैफिक ऐसा होता है कि आप गाड़ी में अटके रहते हो और रेडियो सुनने के बगैर मजा दिन अच्छा नहीं जाता. तो आई हियर रेडियो ब्रेकफास्ट शो, मैं रोज सुनती हूँ और आई एम सो एक्साइटेड आई एम हियर विद रेडियो वन पीपल व्यूअर्स एंड लिसनर्स एंड विद द वीजेस एंड आरजेस. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी जब मैंने देखी, थोड़ी बहुत देखी, पूरी फिल्म की 80% देखी है. मेरे यूनिट मेंबर्स ने, यंगस्टर्स ने जो फिल्म देखी उनका जो रिस्पांस आया, मुझे लगा कि नए एक्टर्स हैं, नए डायरेक्टर है, मेरे हमारे पास सिर्फ नया टैलेंट है. तो नए टैलेंट को बाहर लाने के लिए अगर मेरा थोड़ा बहुत दिखा हुआ फेस है पुराना सा, तो उसको बाहर लाना चाहिए. तो उसके जरिए अगर कुछ फिल्म को प्रमोशन मिल जाए तो क्यों नहीं. आप लोग देख रहे हैं स्पिरिट को, मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं पहली बार. मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और स्किट वर्क कर रहे हैं. आई थिंक शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द फिल्म एज अ प्रोड्यूसर. आई थिंक शी इज वेरी जीनियस, शी इज वेरी गुड, वेरी लकी टू हैव हर एज अ प्रोड्यूसर. फर्स्टली टू इवन बिलीव इन अस एंड टू गिव अस सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड अ वंडरफुल फिल्म टू डू, एंड शी इज सो इनटू द होल थिंग. आपको ये देखना नहीं मिलता एंड इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर अस. हर फिल्म में अलग प्रमोशन होना चाहिए. आई मीन आमिर खान ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते. प्रमोशन मतलब कि चीज जो नॉर्मली आपको दिखती है उसे अलग कुछ करने के लिए एक तो है सोचो, दूसरा अपने काम के लिए थोड़ा सा पैशन. मुझे तो लगता है ये फैब है, बहुत ही अच्छी बात है. और मैंने बहुत बार तीन ऑटोज को साथ में ऐसे देखा है और मैं सोचती हूँ रागिनी यहाँ बैठी थी और अपने मन में हंसती हुई बोलती हूँ हाँ शायद. तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा है. और मेरे हर दिन मुझे एक ना एक तो बीबीएम आता है एक फ्रेंड से, लुक यू गाइस सो एन ऑटो, सो आई थिंक इट्स ग्रेट. इट्स ग्रेट वर्किंग विद हिम, इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. ये FTI से है आप शायद जानते हैं, एंड जस्ट बाय वॉचिंग हिम वर्क मैंने इतना कुछ सीखा है. एंड ही इज वेरी अनसेल्फिश. और मैंने बहुत बार पूछा यार मैं ये सीन कैसे करूँ, एंड ही सेड यू नो हम डिस्कस करते थे, हम बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन करते थे, बहुत रिहर्सल करते थे. तो बहुत मजा आया ये फिल्म शूट करते हुए. नहीं नहीं, आने वाली फिल्म में और मेरी फिल्म सारी शैतान है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, तो उसमें एमएस जैसा कुछ नहीं है. अच्छा, सिर्फ एक इत्तेफाक है.